न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमिना आज़मत। और मैंने ये जो शेर पढ़ा है ये इसलिए पढ़ा कि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ, एक नन्ही सी मुन्नी सी इस्लामिक चाइल्ड स्टार के साथ मौजूद हूँ। नाम है इनका मरियम अकमल। और इनका कारनामा ये है कि इन्होंने 3.5 साल की उम्र में, सिर्फ 3.5 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब याद किया। और फिर वो शजरा नसब इन्होंने जा के पढ़ा रोज़ा रसूल पे बैठ के, और ये वीडियो होती है जी वायरल। और इनको बुलाते हैं मौलाना तारिक जमील मिलने के लिए और इनको शाबाश देने के लिए। आज उस वाक़े को कमोबेश 2.5 से 3 साल हो चुके हैं और इनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इनको बुलाती हैं और इनसे हल्का फुल्का सा इस्लामिक लेक्चर भी लेती हैं और शजर नसब भी ये सुनाती हैं उन तमाम बड़े बड़े तालिब इल्मों को, और वर्ता हैरत में डाल देती हैं। चलिए बात करते हैं मरियम अकमल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, शजरा नसब कमोबेश ये 100 से ऊपर नाम आते हैं, ये आपको याद कैसे हो गए? हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने भी मेहनत की तो मैंने इसको याद कर लिया। फिर कैसे याद किया, क्या मेथड था आपका, क्या चीज़ों को देख देख के याद करती थी, किसी से सुनती थी या पिक्चर्स को देख के बस? मैं ये उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना ताजी मिल साहब की जो स्पीचेज़ होती हैं उसमें वो पढ़ते रहते हैं, तो मैं उनके बयान रोज़ सुनती थी तो मुझे फिर याद हो गया था। अच्छा, आपकी जो इंस्पिरेशन है इस्लामिक तौर पे वो मौलाना तारिक जमील साहब हैं? हाँ जी। तो आप उनसे जब मिलने के लिए गईं, उन्होंने किन अल्फाज में आपकी तारीफ़ की थी? तो जब मैं उनके पास गई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मुझे शजरा नसब सुनाओ। जब मैंने उनको शजरा नसब सुनाया था पूरा, तो उन्होंने कहा था कि आपने इसको कैसे याद कर लिया, आप तो एक इस्लामिक चाइल्ड स्टार हो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सुना है कि जब आपने शजरा नसब याद करना था आपके बाबा ने एक शर्त रखी थी, वो क्या शर्त थी? हाँ जी, मेरे बाबा मदीना जाते होते थे तो मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल करता होता था, तो फिर मेरे बाबा ने, जब मेरे बाबा जाते होते थे तो मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल करता था, तो एक दिन मैंने अपने बाबा को कहा था कि मैंने भी मदीना जाना, तो फिर मेरे बाबा ने कहा था कि अगर आप ये शजरा नसब याद कर लोगे तो फिर मैं आपको मदीना ले जाऊँगा। फिर मैंने इसको याद किया और फिर मेरे बाबा मुझे मदीना लेके गए। माशाल्लाह, कितने दिन लगे थे आपको याद करने में? मुझे इसमें 1 वीक लग गया था बस। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने याद कर लिया सारे नाम? हाँ जी। वो सुनाना पसंद करेंगी? अल्लाह के नबी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह के नबी, आप सच्चे, आपकी नस्ल सच्ची, आपकी जद सच्ची, आपका शरीर नसब सबसे आला, आपकी ज़ात अल्लाह के बाद सबसे आला, आपके और हमारे दरमियान आखिरत का पर्दा है और अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमीसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कम्बाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन इदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माही बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यस्नबी बिन यहज़न बिन गलहन बिन इरावा बिन ऐज़ी बिन ज़िशान बिन ईसर बिन अतनाद बिन लिहान बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मजी बिन इविक बिन इराम बिन किदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदल बिन नाहूद बिन सरूज बिन रऊफ बिन फायज बिन आबिल बिन अफ़रचाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशालिक बिन इदरीस बिन गेरत बिन महलील बिन किनान बिन अनूश बिन शीशर बिन आदम अलैहिस्सलाम। सुभानअल्लाह माशाल्लाह। मरियम, आपको आज भी वो सारे नाम याद है, कभी भूले नहीं है? नहीं, मुझे कभी नहीं भूले। इसके लिए क्या करती हैं, डेली पढ़ती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो डेली आपने ये पढ़ना होता है, जैसे एक सबक याद किया जाता है उसी तरह से? हाँ जी। आपको नात आती है? हाँ जी। कौन सी वाली? मुझे 4 जुबानों में नातें आती हैं। 4 जुबानों में नातें आती हैं? हाँ जी। अरबी में आती है? हाँ जी। सुनाइए। ठीक है। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबाउन सफ़ा सैयदुल अंबिया मिशालुन फिल वफ़ा काना फी अत्फी लिया दामा दिफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। अच्छा मरियम, आप जितने जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो तो खेल कूद के अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, तो आप क्या करती हैं? मैं भी कार्टून्स वगैरह देखती हूँ, पर मैं इस्लाम की तरफ भी वो करती हूँ। अच्छा, आप भी कार्टून्स देखती हैं, आप भी बच्चों की तरह गली में भी खेलती होंगी जाके। कितने दोस्त हैं आपके? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं।
तो कभी कोई ऐसी शरारत की है कि जिसकी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचा हो? नहीं नहीं की नहीं। कभी घरों की बेल्स बजा के भागी हैं? नहीं। या तो फिर आप उससे छोटी हैं या फिर आप वो करना नहीं चाहती। मुझे ये बताइएगा कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 4 में पढ़ती हूँ। 4 में? और जब आपने शजर नसब याद किया तब कौन सी क्लास में? मैं प्ले ग्रुप में थी तब। अच्छा, तब आप प्ले ग्रुप में थी। मरियम यूनिवर्सिटीज में जब आपको इनवाइट किया जाता है तो क्या बोलती हैं वहाँ पे? अल्लाह से दिल लगाना, अल्लाह को अपना बनाना, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना, अल्लाह के लिए सब कुछ कर जाना, अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह की मान कर जिंदगी गुजारना ही कामयाबी का रास्ता है। अगर हम अल्लाह की मान कर जिंदगी गुजार नहीं गुजारेंगे तो फिर हम नाकाम हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह के सिवा किसी के आगे ना झुकना, दुनिया के खौफ से अपने आप को आज़ाद कर लेना, अपने खौफ ख़त्म करें। 3 ही खौफ होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। 1, मौत, कि कोई मुझे मार ना दे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़िंदगी मौत सिर्फ मेरी हाथ में है। 2, कि कोई मुझे जलील ना कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इज्जत और जिलत सिर्फ मेरी हाथ में है। 3, रिज़्क, कि कोई मेरी नौकरी ना छीन ले, मेरी नौकरी ना चली जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रिज़्क सिर्फ मेरी हाथ में है। तो फिर डर किस चीज़ का? अल्लाह उसके रसूल हमारे साथ है। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों में जवाल नहीं। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बिल्कुल छोटी सी हैं और अल्फाज आपके बहुत बड़े हैं और बहुत तासीर लिए हुए हैं। ये किसने सिखाए अल्फाज आपको? ये मैंने मौलाना ताजमल साहब की स्पीच से किया था और इमरान खान। अच्छा, इमरान खान साहब। तो आप PTI को सपोर्ट करती हैं? हाँ जी। आपका वोट किसका होगा? इमरान खान का। अभी आप बहुत छोटी हैं वोट देने के लिए। शायद ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए अलामा मोहम्मद इकबाल फरमा गए कि मोहम्मद सा वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जब भी बयान की जाएगी और जो भी उस शान को बयान करेगा तो इज़्ज़त देने का वादा मेरे अल्लाह ताला ने किया है। और शायद यही मरियम अकमल के हक में भी सच साबित हो रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ इनकी इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है। आपको कैसा लगा मरियम अकमल से मिलके, और हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।